अब आगे स्टार्ट करने लगी हूँ तो एपिडेमियोलॉजी नहीं है इम्पोर्टेंट, कैंसर इंसिडेंस भी नहीं करना, उसके बाद जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कुछ ऐसे कैंसर होते हैं जो एक सर्टेन रीजन में होते हैं, जैसे ब्रेस्ट कैंसर US में है, स्टमक कार्सिनोमा जो है जापान में, फिर लिवर सेल कार्सिनोमा जो है अफ्रीका में ज़्यादा कॉमन है। उसके बाद जो है ना कि कुछ फैक्टर्स जो कि प्री डिस्पोज करते हैं कैंसर को, उसमें हमारे पास आ जाता है डाइट जो है, ओबेसिटी जो है ज़्यादा कैंसर की तरफ लेके जाती है, फिर इसके बाद जो है स्मोकिंग जो है वो एसोफेगस पैंक्रियाज एंड ब्लैडर कैंसर कर सकती है, 90% लंग कैंसर भी स्मोकिंग से होगा, और अल्कोहल कंजम्पशन ऑब्वियसली वो जो है लिवर कैंसर इस तरह से करेगा, इसके अलावा ओरोफेरिंक्स लैरिंग्स और एसोफेगस वगैरह का कैंसर करेगा। और जब अगर स्मोकिंग और लिवर इसको अल्कोहल कंजम्पशन को अगर दोनों को एक साथ ऐड कर दें तो फिर हमारे पास जो है अपर एयरवेज एंड अपर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के कैंसर बहुत कॉमन हो जाते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, अगर ज़्यादा अनअपोज्ड एस्ट्रोजन हो, जो एस्ट्रोजन है ये स्टिमुलेट करता है एंडोमेट्रियम को, इसके अलावा जो ब्रेस्ट को, तो इन दोनों की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, ये एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव टिश्यूज हैं, तो ये ब्रेस्ट कैंसर एंड द एंडोमेट्रियम कैंसर कर सकते हैं एस्ट्रोजन, अगर इट इज़ अनअपोज्ड बाय प्रोजेस्ट्रॉन। फिर इन्फेक्शियस एजेंट है, 15% कैंसर जो है ना वो इन्फेक्शियस एजेंट जैसे वायरसेस वगैरह इनसे होता है। अच्छा, अब जो है ऑक्यूपेशनल कैंसर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट UQ है। ऑक्यूपेशनल कैंसर में हमारे पास जो है, अब ये किस तरह से याद करना है कि कौन सा कैंसर किस तरह से हो गया है, तो पहले जो है जितने भी हमारे पास जो है, सबसे पहले वाइनल कंगोगाइड जो है, अब जो प्लास्टिक इंडस्ट्री है ना, प्लास्टिक इंडस्ट्री के वर्कर्स में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो हेपेटिक कैंसर है, हेपेटिक एंजियोसार्कोमा है। तो जो वाइनल कंगोगाइड है वो प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो ये हेपेटिक एंजियोसार्कोमा का एक ये। फिर बेंजीन जो है, बेंजीन इज़ वेरी यूनिक कि वो एक्यूट माइगोइड न्यूकीमिया कर देता है, बेंजीन जो है एक्यूट माइगोइड न्यूकीमिया कर रहा है। उसके अलावा जो है केडमियम एंड केडमियम कंपाउंड जो हैं ये प्रोस्टेट कार्सिनोमा कर गए, ये केडमियम एंड केडमियम के कंपाउंड प्रोस्टेट कार्सिनोमा कर गए। बाकी जितने भी रहते हैं जैसे एस्बेस्टोस हो गया, आर्सनिक है, बर्गनियम है, क्रोमियम, निकल, रेडोन, ये सारे जो हैं ये लंग कार्सिनोमा कर गए। आर्सनिक, एस्बेस्टोस, बर्गनियम, क्रोमियम, निकल एंड रेडोन ये लंग कार्सिनोमा कर गए। अब जो है ये हो गया, इसके बाद जो है एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस इस तरह से इम्पोर्टेंट है कि ये डिफरेंट कार्सिनोमास कर रहा है। इसके लिए जो एक निमोनिक सा है कि ए इज़ फॉर एस्बेस्टोस एंड देन एंग जो है लंग के लिए, ई इज़ फॉर एसोफेजियन, जी इज़ फॉर गैस्ट्रिक एंड CM कोलन कार्सिनोमा एंड मेसोथेलियोमा, लंग, एसोफेजियन, गैस्ट्रिक, कोलन कार्सिनोमा एंड मेसोथेलियोमा, आ लेग CM, तो जो है ये इस तरह से हो गया। अब इसके अलावा जो आर्सेनिक है वो स्किन कार्सिनोमा में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस तरह से ये एक पूरा कौन कौन से कैंसर्स किसकी वजह से हो गए इस तरह से पता चल गया। अब थोड़ा सा ये आगे जो है टिपिकल यूज़ और अक्रेंस वगैरह एक नज़र देख लीजिएगा कि किस किस इंडस्ट्री में होगा है। अच्छा, फिर आगे से जो है ना एक्वायर्ड प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस है कि कुछ कंडीशंस दैट लीड टू कैंसर, उसमें हमारे पास ऑब्वियसली एक सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है कि अगर ज़्यादा देर के लिए है तो वो अल्टीमेटली कैंसर बन सकता है। इसके अलावा जो है इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट्स आ जाती हैं, और जो इम्यूनोडेफिशिएंसी, अब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है ये कार्सिनोमास करती है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन मोस्टली कार्सिनोमा करती है, और फिर इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेट जो हमारे पास आती है ये वायरस लिंक्ड कार्सिनोमास जो हैं जितने भी कैंसर्स होंगे वो इससे होंगे। इसके अलावा कुछ प्रिकर्सर लीजन्स होती हैं कि एक बेनाइन सा सिंगन थी लेकिन दैट गिव राइज टू दी कार्सिनोमा, जैसे जे दे मे अराइज सेकेंडरी, जो प्रिकर्सर लीजन्स हैं दे मे अराइज सेकेंडरी टू दी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल डिस्टर्बेंस, इनकी वजह से ये हो सकता है कि अगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है उसकी वजह से कोई लीजन बन गई है, या फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से कोई लीजन है, अल्टीमेटली वो हो सकता है कि वो कैंसर में शिफ्ट हो जाए। तो इसमें जो कुछ इम्पोर्टेंट जो प्रिकर्सर लीजन्स हैं दैट लीड टू कैंसर, तो इसमें ये हैं, अब स्क्वेमस मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया ब्रोंकियल म्यूकोजा जो है उसमें मेटाप्लेजिया चेंज इन द
एपिथीलियम आ गया और डिस्पंगेजिया जो है उसकी वजह से क्या होगा कि लंग कार्सिनोमा हो सकता है, एंडोमेट्रियम हाइपरपंगेजिया एंड डिस्पंगेजिया। अब हमने कहा है कि ये जो प्रीकर्सर लीजन्स हैं ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकती हैं। अब एंडोमेट्रियम हाइपरपंगेजिया डिस्पंगेजिया जो है वो हमारे पास एस्ट्रोजन की बहुत ज़्यादा अमाउंट से हो जाता है कि एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिव टिश्यू है एंडोमेट्रियम, तो वो जो है फिर एंडोमेट्रियम कार्सिनोमा हो सकता है। फिर म्यूकोप्लेकिया ऑफ द ऑर्गन कैविटी विंगवा एंड पिनस, इसकी ये हो सकता है कि ये लीड टू स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा करे, और विनस एडिनोमा ऑफ द कोंगन, तो ये जो है कोंगोरेक्टम कार्सिनोमा कर सकता है। तो बस ये इसमें प्रिकॉशन नियंस है। आगे जो है इंट्रैक्शन बिटवीन एनवायरनमेंट और जेनेटिक फैक्टर्स ये कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है।